नमस्कार दोस्तों, आपके माता पिता, गुरुदेव और इष्ट देव सभी को मेरा प्रणाम। एक शहर में देवरानी जिठानी रहती थी। जिठानी अमीर थी और देवरानी गरीब थी। देवरानी गणेश जी की भक्त थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काट कर बेचता था और अक्सर बीमार रहता था। देवरानी जिठानी के घर का सारा काम करती और बदले में जिठानी बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े उसको दे देती थी और इसी से देवरानी का परिवार चल रहा था। माघ महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। 5 आने का तिल और गुड़ लाकर तिलकुट्टा बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी और तिलकुट्टा छींके में रख दिया और सोचा कि चांद उगने पर पहले तिलकुट्टा और उसके बाद ही कुछ खाऊंगी। कथा सुनकर वो जेठानी के यहाँ चली गई। खाना बनाकर जेठानी के बच्चों से खाना खाने को कहा तो बच्चे बोले, माँ ने व्रत किया है और माँ भूखी है। जब माँ खाना खाएगी हम भी तभी खाना खाएंगे। जेठ जी को खाना खाने को कहा तो जेठ जी बोले, मैं अकेला नहीं खाऊंगा, जब चांद निकलेगा तब सभी साथ में खाएंगे। जेठानी ने उसे कहा कि आज तो किसी ने भी अभी तक खाना नहीं खाया, तुझे कैसे दे दूं? तुम सुबह सवेरे ही बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी के घर पर पति, बच्चे सभी आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, इसीलिए कुछ पकवान खाने को जरूर मिलेगा। लेकिन जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। उसके पति को भी बहुत गुस्सा आया, कहने लगा, सारा दिन काम करके भी दो रोटी नहीं ला सकती तो काम क्यों करती हो? पति ने गुस्से में आकर पत्नी को कपड़े धोने के धोमने से मारा। धोमना हाथ से छूट गया तो पाटे से मारा। वो बेचारे गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर ही सो गई। उस दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे, धोमने मारी, पाटे मारी, सो रही है या जग रही है? वो बोली, कुछ सो रही हूँ कुछ जग रही हूँ। गणेश जी बोले, भूख लगी है, कुछ खाने को दे दे। देवरानी बोली, क्या दूं, मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बचा हुआ खाना देती थी वो भी आज नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुट्टा ठीके में पड़ा है, वही खा लो। तिलकुट्टा खाने के बाद गणेश जी बोले, धोमने मारी, पाटे मारी, निमटाई लगी है, कहां निमटू? वो बोली, ये पड़ा घर, जहां इच्छा हो वहीं निमट लो। फिर गणेश जी बच्चे की तरह बोले, अब कहां पहुंचूं? नींद में मग्न अब देवरानी को बहुत गुस्सा आया कि कब से तंग किए जा रहे हो। वो बोली, मेरे सर पर पहुंच दो और कहां पहुंचोगी? सुबह जब देवरानी उठी तो ये देखकर हैरान रह गई कि पूरा घर हीरे मोती से जगमगा रहा है। सिर पर जहां विनायक जी पौंछनी करके गए थे वहां हीरे के टीके और बिंदी जगमगा रहे थे। उस दिन देवरानी जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई। बहुत देर तक राह देखने के बाद जेठानी ने बच्चों को देवरानी को बुलाने भेजा। जेठानी ने सोचा, कल खाना नहीं दिया इसलिए शायद देवरानी बुरा मान गई है। बच्चे बुलाने गए और बोले, चाची चलो, माँ ने बुलाया है, सारा काम पड़ा है। देवरानी ने जवाब दिया, अब उसकी जरूरत नहीं है, घर में सब भरपूर है गणेश जी के आशीष से। बच्चों ने घर जाकर माँ को बताया कि चाची का तो पूरा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। जिठानी दौड़ती हुई देवरानी के पास गई और पूछा कि ये सब कैसे हुआ। देवरानी ने उसके साथ जो हुआ वो सब कह डाला। घर लौटकर जिठानी अपने पति से बोली कि आप मुझे धोवने और पाटे से मारो। उसका पति बोला, हे भली मानस, मैंने तो कभी तुम पर हाथ भी नहीं उठाया, मैं तुम्हें धोवने और पाटे से कैसे मार सकता हूँ? पर वो नहीं मानी और जिद करने लगी। मजबूरन पति को उसे मारना ही पड़ा। उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छीके में रखकर सो गई। रात को चौथ विनायक जी सपने में आए और कहने लगे, भूख लगी है, क्या खाऊं? जेठानी बोली, हे गणेश जी महाराज, मेरी देवरानी के यहाँ तो आपने सूखा तिलकुट्टा खाया था, मैंने तो झरते घी का चूरमा बनाकर आपके लिए छीके में रखा है, फल और मेवे भी रखे हैं, जो चाहे खा लीजिए। बाल स्वरूप गणेश जी बोले, अब निमटे कहाँ? जेठानी बोली, उसके यहाँ तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरे यहाँ तो कंचन का महल है, जहां चाहे निमट लो। फिर गणेश जी ने पूछा, अब पहुंचू कहाँ?
जेठानी बोली, मेरे ललाट पर बड़ी सी बिंदी लगाकर पहुंच लो। धन की भूखी जेठानी सुबह सुबह जल्दी उठ गई। सोचा घर हीरे जवाहरात से भर चुका होगा, पर देखा तो पूरे घर में गंदगी फैली थी और तेज बदबू आ रही थी। उसके सर पर भी बहुत सी गंदगी लगी हुई थी। उसने कहा, हे गणेश जी महाराज, ये आपने क्या किया? मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे? जेठानी ने घर की सफाई करने की बहुत कोशिश करी, लेकिन गंदगी और ज्यादा फैलती गई। जेठानी के पति को मालूम चला तो वो भी बहुत गुस्सा हुआ और बोला, तेरे पास इतना सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा? परेशान होकर चौथ के गणेश जी से मदद की विनती करने लगी। गणेश जी ने बोला, देवरानी से जलन के कारण तूने जो किया था ये उसी का फल है। अब तू अपने धन में से आधा उसे दे देगी, तभी ये सब साफ होगा। उसने आधा धन बांट दिया, लेकिन मोहरों की एक हांडी चूल्हे के नीचे गाड़ रखी थी। उसने सोचा किसी को पता नहीं चलेगा और उसने उस धन को नहीं बांटा। उसने कहा, हे श्री गणेश जी, अब तो अपना ये बिखराव समेटो। पर वो बोले, पहले चूल्हे के नीचे गड़ी हुई मोहरों की हांडी सहित ताक में रख दो और सुई के भी दो हिस्से कर। इस प्रकार गजानन ने बाल स्वरूप में आकर सुई जैसी छोटी चीज का भी बंटवारा किया और फिर अपनी माया समेटी। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने देवरानी पर कृपा करी वैसे सब पर करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सब पर कृपा करना। पर जेठानी को जैसी सजा दी वैसी किसी को भी मत देना। कोई भूल हुई हो तो माफ करना। बोलो गणेश जी महाराज की जय, चौथ माता की जय।